यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जींद में व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के राज में हरियाणा न केवल विकास में पिछड़ गया है बल्कि अपराध में भी नंबर वन हो गया है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस सरकार में एक दिन भी हरियाणा बंद नहीं हुआ था, लेकिन बीजेपी के शासन में प्रदेश 4 बार हाईजैक हो चुका है। सांसद हुड्डा ने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो उचाना को औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर विकसित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को दिल्ली में आगामी 29 अप्रैल को होने वाली कांग्रेस रैली में आने का निमंत्रण भी दिया। जहाँ तक गठबंधन की बात है, मैं इसका गठबंधन का कोई खास महत्व हरियाणा की राजनीति में नहीं देखता, और जो है मैं समझता हूँ कि जो प्रदेश में एक बात होती है नेतृत्व, और दोनों दलों में कोई इस प्रकार का मैं समझता हूँ कि अभी उनका कोई अभी अस्तित्व की लड़ाई में तो दोनों लगे हुए हैं दोनों दल, मगर इस गठबंधन के माध्यम से कोई प्रदेश की राजनीति में कोई प्रभाव डलेगा मैं बिल्कुल कोई संभावना नहीं देखता। दूसरी बात, एक जो बात मैं और आज आप लोग के माध्यम से कि 29 तारीख को आज की हमारी एक बैठक हुई थी, 29 तारीख को कांग्रेस पार्टी की रामलीला ग्राउंड के अंदर एक बड़ी रैली है, जन आक्रोश रैली, और उस जन आक्रोश रैली में को बहुत सफल बनाकर राहुल जी का कांग्रेस पार्टी का को मजबूती देने का काम करेंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मजबूती देने का काम करेंगे, और लाखों की तादाद में हमारी हाजिरी वहाँ पर रहेगी।